नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय की मिरांडा हाउस महिला कॉलेज की कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि परिसर में आयोजित हुए दिवाली कार्यक्रम को देखने के लिए कुछ युवक कॉलेज की दीवारों और गेट पर चढ़ गए और अश्लील नारेबाजी की। वहीं इस घटना पर पुलिस ने खुद प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि इस मामले में कॉलेज प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। कॉलेज से जुड़े कर्मचारियों के मुताबिक पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुआ है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली के सबसे विख्यात कॉलेज में एक मिरांडा हाउस में चल रहे दिवाली मेले में लड़के दीवार फांद कर जबरदस्ती घुस रहे हैं। एक बंदा चढ़ने के बाद पूछ लेगा क्या बोलते नहीं, ये वो आ रहे हैं, ये कौन चढ़ने जाओगे, ये होती है सच्ची दोस्ती। अबे तू चढ़ना, कुछ नहीं है, 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 कुछ नहीं है। I can't let this open the door. लड़कियों ने छेड़छाड़ और शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। हम दिल्ली पुलिस और कॉलेज प्रशासन को नोटिस भेज रहे हैं। कैसे ये गुंडागर्दी हुई, क्या सुरक्षा प्रबंध किए? बता दें, कॉलेज की छात्रों ने सोशल मीडिया पर 14 अक्टूबर के कई वीडियो साझा किए हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कि तीन युवक कॉलेज की चार दीवारी के बाहर खड़े हैं। इसी बीच एक युवक पेड़ के सहारे चार दीवारी पर चढ़ने की कोशिश करता है। वहीं दूसरा युवक भी इस कार्य में उसकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। फिर पहला युवक चार दीवारी पर चढ़ जाता है, वह हाथ से खींचकर दूसरे युवक को भी चार दीवारी पर चढ़ा लेता है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। बता दें, जिन छात्रों ने ट्वीट किया है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की हरकत हुई है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।